अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल टैलेंटी टेक एंड यस मी तलाइक बाल। सो यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करेंगे जो 120 टाइम्स जूम कर सकता है, मतलब शाओमी मी 10 अल्ट्रा के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कब आ रहा है, किस प्राइस रेंज के साथ आ रहा है और हमें ये कब तक के पाकिस्तान की मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी कंट्री के अंदर ना पहले ही ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और हो सकता है ये पाकिस्तान के अंदर ना भी दिखे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ही हट के फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है और मेरे ख्याल से कुछ ही पीसेस पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किए जाएंगे, वो भी कोई इंपोर्टर मोबाइल इंपोर्टर इंपोर्ट करेगा। अगर हम ये बात करें ना इसके डिज़ाइन की, तो यार इसका जो डिज़ाइन है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि इससे पहले हमने इस टाइप का कभी डिज़ाइन नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले ये डिज़ाइन किसी भी फ़ोन के साथ नहीं आया है। अगर यहाँ पे बात करें हम डिस्प्ले की, तो यहाँ पे हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, 1080 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश और टच रेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन के लिहाज से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे कैमरा हमें जो बैक पर है वो क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है एंड जो यहाँ पे फोर्थ सेंसर लगा हुआ है वो 20 मेगापिक्सल का है, जो कि ये जो कैमरा है सेटअप है वो 8K से ऊपर की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब 4K तो भाई हलवा है इसके लिए। अगर फ्रंट की बात करें यहाँ पे, तो फ्रंट हमें जो है ना 20 मेगापिक्सल का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक एवरेज का एक जो है ना काफ़ी अच्छा ही कैमरा आपको देखने के लिए फ्रंट पे मिल जा रहा है। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करें यहाँ पे, तो बैटरी हमें 4500 mAh की देखने के लिए मिल जाती है, जो कि स्लाइटली 5000 होना चाहिए लेकिन 500 mAh कम है। अब देखा जाएगा किसकी टाइमिंग किस हिसाब से मिलती है आपको। 65 वाट का यहाँ पर चार्जर देखने के लिए मिल जाता है और 40 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट की बात करें, तो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो इसका इन डिस्प्ले यहाँ पर बिल्ट हुआ है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले और तकरीबन अब जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आ रहे हैं उनके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट उनके साथ आ रहा है। अगर यहाँ पर हार्डवेयर की बात करें, तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 की यहाँ पर प्रेडिक्शन है, 865 प्लस नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो तो हम शाओमी वालों से ही पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर यहाँ पे वेरिएंट देखा जाए, तो 8GB रैम और 16GB रैम दोनों में आता है और 256GB स्टोरेज और 512GB स्टोरेज, ये दोनों वेरिएंट में आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी जो लॉन्च सेरेमनी थी वो थी शाओमी की 10th एनिवर्सरी पर, जो कि 11 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था शाओमी वालों की तरफ से, तो इस डेट के ऊपर ये लॉन्च कर दिया गया था। अच्छा, आखिरी में बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये $850 $850 में पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और इसकी जो कैलकुलेशन अगर इस टाइम के हिसाब से किया जाए डॉलर के हिसाब से, तो ये बनती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज द बॉय तलाइक बाल साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।